वेलकम बच्चों, जैसे कि आप बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम नाइन्थ का भी पेपर शेयर कर दें, तो मैं ये पेपर शेयर कर रही हूँ मिड टर्म का 21 to 22 का, मींस प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ये थोड़ा एमसीक्यू टाइप पैटर्न में आया था, तो इस पेपर से आपको एमसीक्यू का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी सी। ई सेक्शन इज ऑफ 20, ए एंड बी इज ऑफ 20 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 16। तो आप इस क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस पेपर लेना एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू 20 मार्क्स का आएगा आपके लिए मिड टर्म में। रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/4 विच इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आपको यहाँ सॉल्व करे हुए भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप प्लॉट करना फिर सभी ए बी बी सी सी डी और ए डी के डिस्टेंस को काउंट कर लेना, फिर आपको फिगर पता चल जाएगा। यहाँ हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा तेज स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप स्क्रीन रोक कर भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए पार्ट है बेटा, 20 मार्क्स आपका फिक्स है जो एमसीक्यू क्वेश्चन से आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इट जस्ट द एक्स पॉइंट, एक्स में कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए ये 3 यूनिट है। एबिस हिस्सा दे दिया और पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई 0 होगा, एक्स की वैल्यू -5 है तो -5, 0। वैल्यू ऑफ के निकालना है तो एक्स की जगह भी 1 पुट कर दीजिए और वाई की जगह भी 1 पुट कर दीजिए, आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन है, देन दिस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपोनेंट एंड पावर। नाउ We will move towards the case study part। इसमें आपको case study ना देकर उसने 1 mark के question दिए हैं और true false के तरह के question दिए गए हैं। पूछा गया है either the following statement is correct or not। Every integer is a rational number। All rational and irrational make up the collection of real number। मीन्स इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। देयर आर इन्फिनेटली मैनी रिलेशन रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, नो, बिकॉज होल नंबर 0 है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। आप अंडर रूट 10 की वैल्यू दे रखी है 3.162, आपको 1/√10 निकालना है, तो 1/√10 की जगह 3.162 को पुट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 पुट करके देख लीजिए, जो इक्वल्स टू जो गिवन है RHS उसके अगर इक्वल आ रहा है वो इक्वेशन ही उसका सॉल्यूशन है। आंसर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको टिक कर रखे हैं क्रॉस चेक के लिए, तो आप कर सकते हैं। आपको ए का वर्टेक्स निकालना है, यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। आपको एक एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस के लिए एक मटेरियल मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 लाइन एंड एंगल्स में से लिया गया है, ए प्लस 2 ए विल बी इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। आपको x की वैल्यू निकालनी है, a की मिल जाएगी 2a will be equals to x because of vertically opposite angle।
नेक्स्ट कॉन्ग्रेंसी से आपको आंसर दिया गया है। 31 क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, एक्स रेज टू पावर माइनस वन को 1/x लिख दीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इसका। अगेन रेशनलाइजेशन से फिक्स है बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी लाइन एंड एंगल, आपको गिवन है, आपको 90 डिग्री एंगल दिया ही है, 40 एक एंगल एफ है तो एंगल ई 50 होगा, एंगल ई 50 होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 50 होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टीज सेम साइड एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180, तो ये 50 है तो ये हो जाएगा 130, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको पेपर में जल्दी जल्दी लगाना है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल और सप्लीमेंट्री, तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालनी है। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन होता है एसर्शन और रीजनिंग के, आपको स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट दे दिया है एसर्शन, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यस, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये रीज़न है फर्स्ट स्टेटमेंट का, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर बी होगा, ये रीज़न नहीं है करेक्ट रीज़न। देन फाइंड द रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हाईएस्ट वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके। रेंज इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द डाटा, नो, रेंज इज़ नेवर बी द मीन वैल्यू, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आपको केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, 3 केस स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपको हिरन्स फॉर्मूला से भी मिलेगा, ये बुक एक्सरसाइज में से ही पूछा जाएगा जैसे यहाँ पर पूछा गया है। तो केस स्टडी 3 आएगी 4-4 मार्क्स की, जहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी आपकी दी गई है बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स से मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पूछा गया है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। रेंज, अगेन रेंज का क्वेश्चन आ गया, लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो दिस वन इज योर लास्ट पेज। थैंक यू बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।